नोएडा की रिसर्च फर्म मटेरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ने कूड़े की समस्या का समाधान निकाल लिया है। नोएडा की मटेरियल रिसर्चर शुभी सचान ने घरों में होने वाले वेस्ट यानी कूड़ा या कोई ऐसा सामान जो खराब हो चुका है, कोई ऐसा कपड़ा जो फट चुका है, उसे इकट्ठा कर उसे दोबारा से इस्तेमाल लाने का काम करते हैं, यानी उस कचरे को रिसाइकिल कर उससे अलग अलग तरह की खूबसूरत और रंग बिरंगे प्रोडक्ट्स बनाती हैं। मटेरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कचरे से इन खूबसूरत सामानों को बनाने के लिए रिसाइकिल कर 3D प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल करती है। सामान बनाने के लिए कंपनी डोर टू डोर जाकर घरों के साथ साथ फैक्ट्री से भी कचरा इकट्ठा करती है। एक दिन में करीब 5 टन कचरा इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर उसे रिसाइकिल कर उसकी काबिलियत के हिसाब से अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट्स तैयार कर दिए जाते हैं। एलपी मल्टीलेयर पैकेजिंग घर घर से कलेक्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से हम टेक्सटाइल वेस्ट भी डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे हैं। टेक्सटाइल वेस्ट कलेक्शन करने के बाद हम उस टेक्सटाइल वेस्ट को वापस से धागा और धागे के बाद उससे वापस से कपड़ा बनाने का प्रोसेस पूरा कर रहे हैं। तो दो तरीके का कपड़ा बन पा रहा है, एक बहुत ही रिफाइंड फॉर्म जो कि हम बहुत अच्छी फिनिश में ला पा रहे हैं, जो कि इक्विवेलेंट है कि अगर हम इससे वापस से जीन्स या जो भी फिनिश्ड कपड़ा बनाना चाहें वो बना सकते हैं, और दूसरा है हमारा हैंडलूम का आउटपुट। और उसके अलावा हमारा तीसरा आउटपुट है इस तरीके के फिनिश्ड बैग्स जो कि नॉन वोवन कैटेगरी में डाले जाते हैं। मटेरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का कोशिश यही है कि हम जितने भी तरीके की चीजें बनाएं वो जो भी मटेरियल नॉन रिसाइकलेबल कैटेगरी में है उससे एक ऐसे लेवल का प्रोडक्ट बनाएं जो मार्केट में वर्जिन मटेरियल के मुकाबले में खड़ा हो सके। एक्सचेंज में हम क्या करते हैं, अगर आप 1 किलो अपना गला फटा पुराना कपड़ा लेकर के आएंगे बट इन साफ कंडीशन, तो आप उसके बदले यहां से कपड़े लेकर के जा सकते हैं। इस तरीके से हम टेक्सटाइल का रिसाइकलिंग का चेन चालू रख सकते हैं।